इस तरफ पीछे ना जाइए। आप बताओ, आप तो शामिल हो, क्या चीज अच्छी लगती है बजरंग दल की? इसमें बजरंग दल जो है वो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या मतलब, उसका कोई काम नाम या रहने का स्टाइल अच्छा लगता है? जो ध्वजा है ये सब, चलने का लाठी वाठी पकड़ना, वो वाला अच्छा लगता है। नमस्कार, मैं हूं राजेश राज और आप देख रहे हैं IBC24 का YouTube चैनल खबर विभाग। और आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर राजधानी के BTI ग्राउंड की है और ये शौर्य यात्रा निकली है बजरंग दल के। बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता हैं, 60 साल पूरा हो रहा है बजरंग दल के बने हुए और 9 सितंबर से रायपुर में जो यात्रा निकली थी उसकी ये आखिरी कड़ी है, कल इस यात्रा का समापन हो जाएगा। ये तमाम लोग, ये तमाम कार्यकर्ता अभी रैली निकाल रहे हैं, राजधानी में जाएंगे और क्या कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं जो इसमें शामिल हैं उनसे ही बातचीत करते हैं। तो पूछते हैं कि क्या है और इनका मकसद क्या, क्यों निकाल रहे हैं आप लोग? इस तरफ पीछे ना जाइए। आप बताओ, आप तो शामिल हो, ये शौर्य यात्रा निकाल रहे हो, क्या मतलब है इसका? मुझे इतना पता नहीं है कुछ। क्या पता है यहाँ आए के बारे में, बजरंग दल के बारे में? आप जुड़े रहे शुरू? जुड़ा हूँ, शुरू से नहीं जुड़ा हूँ, पहले बार आया हूँ मैं। पहली बार? हाँ। अच्छा, क्या चीज़ अच्छी लगती है बजरंग दल की? इसमें बजरंग दल जो है वो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या मतलब, उसका कोई काम नाम या रहने का स्टाइल अच्छा लगता है? जो ध्वजा है ये सब, चलने का लाठी वाठी पकड़ना, वो वाला वो अच्छा लगता है। हाँ, इसलिए आ गए। चलिए, आप बताओ क्या करते हो आप और क्यों? मैं एक छात्र हूँ नवी का। चलिए, तो ये जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये रैली निकली है और शौर्य यात्रा इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि लोगों को बताना है कि जब भी धर्म पे कोई हानि होगी, जब भी हिंदू धर्म सनातन धर्म के खिलाफ कोई आवाज़ उठेगी तो उसका जवाब देने के लिए ये बजरंग दल है। यही बजरंग दल है जो ऐसे सभी सनातन विरोधी कामों के खिलाफ खड़े होंगे। क्या बता, क्या बोले हैं आप? जय जय श्री राम। और क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? सभी हिंदू है, सभी भाई हिंदू ही हैं। हाँ, और क्या बोले राष्ट्रीय संयोजक जी? अभी तो अभी पीछे इतना तो नहीं होना चाहिए, हम लोग मिले किसी से तो जय जय श्री राम होना चाहिए। जय जय श्री राम ब्रदर एंड सिस्टर, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ठीक है, लेकिन बजरंग दल क्यों? भाई अत्याचार हो रहा है धरती पर, अत्याचार हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं। धरती पर अत्याचार बोलना चाहता हूँ, हम लोग को छेड़ो मत, राम का भक्त है, एक हाथ से माला जपते हैं तो दूसरा हाथ से तीर धनुष भी जलाने जानते हैं। जय जय श्री राम। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ने वाला। कौन से? जिला गाजीपुर, तहसील जमनिया, ब्लॉक भदौरा, उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ। आप यहाँ पे आए हैं? मैं छत्तीसगढ़ में आया हूँ बजरंग दल को आगे बढ़ाने के लिए। जय जय श्री राम। ये यूपी के हैं, आए हैं और ये सामने गदा लेकर के जा रहे हैं, गदा लिए थामे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? संदेश ये दे रहे हैं कि हम लोग राम भगवान के अनुयायी हैं, मर्यादा में रह के काम करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के हम लोग पूरे भक्त हैं, श्री राम हमारे दिल में है और उन्हीं को हम सब चीज मानकर पूरा कार्य कर रहे हैं। शौर्य यात्रा क्यों? शौर्य यात्रा ये एक शक्ति प्रदर्शन है एक तरह से। जितने भी देश भर में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, तो जो भी धर्मी है, जो अन्य समाज है, उनको हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करा रहे हैं कि हमें आज जो हम शौर्य प्रदर्शन दिखा रहे हैं वो अपनी ताकत है, हिंदुओं की एकता है, हिंदुओं का बल है ये जी। छत्तीसगढ़ में भी ये हो रहा है क्या, हिंदुओं पे आतंक? छत्तीसगढ़ में अभी सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में हो रहा है आतंक लग रहा है। कौन कर रहा है? आप खुद, आपको खुद जाते हैं, मुस्लिम समुदाय है जो धर्मांतरण करा रहा है, ईसाई समुदाय धर्मांतरण करा रहा है, मुस्लिम समुदाय लव जिहाद करा रहा है। मुस्लिम बहुत कम है, 2% भी नहीं है। आपको ऐसा लगता है, एक बार कोरबा की आबादी चेक करिए, 7 से 8% वहाँ मुस्लिम आबादी रातों रात बढ़ गई है, पूरे बांग्लादेशी घुस चुके हैं वहाँ। आप पता कीजिए रोहिंग्या मुसलमान कितने घुस चुके हैं कोरबा में। और कहाँ कहाँ और कहाँ जो अभी कोरबा में कांड हुआ है, कवर्धा में जो कांड हुआ था, तो वो क्यों हो रहा है? आप ये सब विषय में पता कीजिए, आपको पता चलेगा। चलिए ठीक है, तो ये और भी लोग हैं और उनके साथ में हम बातचीत करेंगे। ये जैसे ये BTI ग्राउंड से निकल करके और यहाँ पे टर्निंग पॉइंट शंकर नगर पे पहुँच चुके हैं। ये जो रैली है वो पंडरी की तरफ निकली है, आज ये शौर्य प्रदर्शन है और बाकायदा तीन तीन की पंक्तियाँ में एक गाड़ी सामने रहेगी और ये निकले हैं, स्टूडेंट हैं, सभी लोग हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? समीर।
अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेवन। सेवन। तो आप क्या बताना चाह रहे हो बताओ? क्या बताना चाह रहे हो? जय श्री राम। हाँ, लेकिन वो क्या बताना चाह रहे हो? चलिए, ये छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हुए हैं जो छोटी क्लास में पढ़ते हैं, और ये उनकी संख्या भी आपको अच्छी खासी दिखाई देगी। ये जो सभी बच्चे हैं वो भी स्टूडेंट ही हैं, लेकिन इसमें शामिल हुए हैं, और क्यों हुए हैं पता नहीं, लेकिन उनके दोस्त शामिल हो गए हैं। इसलिए सामने देखिए, जहां से निकल रहे हैं वहां से पुष्पमाला, फूलों की वर्षा इस शोभा यात्रा, शौर्य यात्रा के ऊपर की जा रही है, और जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो सभी इन सभी के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो ये रायपुर में ये शौर्य यात्रा शुरू हुई, रायपुर में शौर्य यात्रा जारी है, और उसी की कड़ी में लंबी लाइन जो कार्यकर्ताओं की है वो यहाँ से निकल करके जा रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।